हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में हम बनाएंगे मसूर की दाल। ओके जी, तो मसूर बनाने के लिए ये मैंने मसूर पकड़ ली है। ओके जी, तो आपको जितनी क्वांटिटी में मसूर बनाने हैं वो आपने एक बाउल में ले लेने हैं, जैसे कि मैंने लिए हैं। मैंने बहुत ही थोड़े लिए हैं, ये तकरीबन हो गए आध पाव, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में सालन बनाती हूँ। तो आपने इसको ले लेने और अब हम इसको करेंगे सोक करेंगे। चलें जी, चलें जी, बाहर का व्यू भी लें। अब हमें चाहिए एक अदर प्लेट, छुरी, और हमें चाहिए एक प्याज, ठीक है, एक चाहिए जी ग्रीन मिर्ची, बाकी ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास है रेड मिर्ची वाला पेस्ट। तो अभी हम पकड़ लेते हैं एक टमाटर। ऐसे कुछ लोग टमाटर डालते नहीं हैं, लेकिन मैं, मुझे पसंद है तो मैं ये डालती हूँ। तो ये जी हमने काट लिए हैं ये सारे, और दूसरी चीज़ें काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अदरक लहसुन है, रेड मिर्ची है, मसाले वगैरह, वो उन सबका पहले मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ, तो इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको लेके चलूँगी किचन में। ये लें जी, पॉट को मैंने कर लिया है ऑन जी, हो जा। चलें जी, ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें प्याज और ऑलिव ऑयल। ये आ गया हमारा ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, और उसके साथ डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये ग्रीन चिली है पिसी हुई, ठीक है, और ये रेड चिली है, इसका एक चम्मच डालेंगे, ये भी पिसी हुई है, ठीक है, और ये सारे मसाले हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों, उन सब का ये एक छोटे वाला चम्मच एक एक डाल दें, लेकिन अपने लिहाज से डालें, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं एक एक इसका चम्मच डालूँगी, लेकिन आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा जी, मसाला भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर मसूर डाल दिए थे, और मसाले में मैंने आपको बताया था कि नमक, ये रेड चिली का पेस्ट डाला था, ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, किधर गया ये गया, उसके बाद मसाले, मेरे पास है नेशनल के मसाले, ये गरम मसाला है, और ये सूखा धनिया है, और ये शान मसाला, ठीक है, तो ये बड़े सारे मसाले, इन सबका एक एक चम्मच। इसके अलावा अभी हमें डालनी है हल्दी इसके अंदर, तो ये जी हमारे पास है हल्दी, इसका भी एक चम्मच हम डालेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ी देर हमने इसको भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, और हम फिर अब पानी लेके आते हैं। ये मैं ले रही हूँ पानी, क्योंकि हमें चाहिए, हमें डालना है मसूर के अंदर। ये हमारा भून लिया हुआ हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चलें जी। अभी जो बचा हुआ भी पानी है वो भी इसके अंदर डाल दें, और इसकी थिकनेस आपको खुद ही देखनी होगी, आपको कितना थिकनेस इसकी चाहिए, शोरबा शोरबा टाइप चाहिए या थोड़े ड्राई ड्राई चाहिए। मुझे शोरबा बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शायद और भी डालूंगी। अच्छा जी, तो जब तक हमारा वो बॉयल हो रहा है, अब ये देखें, ये अब ये बॉयल आएगा, इसको ये थोड़ा पकेगा, फिर बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे, और जब तक इसको बॉयल नहीं आता, ये पकता नहीं है, तब तक हम अपने तड़के का इंतज़ाम करते हैं। तो चलें जी, ये है अदरक लहसुन, ठीक है, अब साथ में हम तड़का लगाने के लिए इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। अच्छा जी, तो ये तड़का लगाने के लिए मैंने ली है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, और थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, साथ में हमारे पास है लहसुन और अदरक, ठीक है, तो इसका हम लगाएंगे तड़का जी। ये हमने काट लिया अदरक लहसुन, अब हम लगाएंगे इसका तड़का, लेकिन पहले हम जाके देखते हैं कि कहाँ तक पका है।
अभी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी इसको फिर भी थोड़ी ज़रूरत है, तो 5 मिनट के लिए हम इसको और पकने देते हैं। ये जो हो गया है बॉयल, इसको मैंने चेक किया है आगे, तो ये मतलब मैश होना स्टार्ट हो गए हैं। ये वाले जो दाने हैं ना, ये देखें, ये ग्रेन्स जो हैं ये मैश होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब ये मैश होना स्टार्ट हो जाए तो समझ गए कि ये पक गए हैं। तो अभी हम इसका बटन करते हैं बंद। तो अभी हम तैयारी करते हैं तड़के की। ये जी हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। घी लिया है, घी के अंदर ये वाला हम अदरक लहसुन है, इसको हम लाल कर लेंगे। ये हो गया लाल, ये वाली सारी चीज़ें। पहले मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा लाल किया, फिर उसके अंदर ग्रीन चिली डाली थी, उसके बाद फिर जो इधर मसाले रखे थे मैंने, ज़ीरा, अजवाइन और कलवंजी। तब ये हो गए लाल, तो अभी हम इसको उंडेल देंगे हमारी इसके अंदर। ठीक है, ये लग जाएगा हमारा तड़का। थोड़ा सा इसको और रेड होने देते हैं ना, अच्छी तरह से रेड हो जाए। तो ये हमने उंडेल दिया था इसके अंदर, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्ती से अंदर से खुशबू आ रही है। हम इसको हिला दें आज, तो ये हमारे मसूर हो गए जी रेडी। चलिए जी, तो ये हमारे मसूर बन गए हैं। तो अभी मैं इसको अपने आप को सर्व करती हूँ। मेरा रूम नहीं देखना, बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है। ओके, अभी हम पकड़ेंगे चावल और इनको करेंगे हम गरम। ठीक है जी, ये सफ़ेद चावल मैंने बनाए थे। तो ये सफेद चावल, ये एक्चुअली बहुत 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 ही मज़े के बने हैं। ये मसूर और ये चावल मैंने पहले के बॉईल करके रखे हुए थे, तो अभी मैं खा रही हूँ।